नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा ब्रेन भी एट्रोफिक हो जाता है, मतलब वो साइज़ में श्रिंक करने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, डीजनरेशन के मतलब एजिंग के साइंस हमको दिखने लगते हैं। एज मेडिकल डॉक्टर्स हम लोग रोज़ सीटी स्कैंस देखते हैं जिसमें कि 60 और उसके अबव के लोगों में जो ब्रेन का साइज़ है वो धीमे धीमे कम होता हुआ फिजिकली आपको स्कैंस पे दिखता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने ब्रेन को ज़्यादा समय तक एक्टिव रख पाएंगे। और सेकेंडली, आजकल जो बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है अल्जाइमर्स जिसको बोलते हैं, उसको भी आप लंबे समय तक प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसका जेनेटिक भी कुछ कंपोनेंट होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड है। तो आज हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं जिनसे आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है फास्ट वॉकिंग। जी हाँ, 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक, रोज़ दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 5 बार जब आप फास्ट वॉकिंग करते हैं तो स्टडीज़ में पाया गया है इससे 33% रिस्क अल्जाइमर्स का कम हो जाता है। अगर आप अपने इस एक्सरसाइजेस के साथ कुछ एरोबिक एक्सरसाइज या साइकिलिंग या कोई भी चीज़ जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है उसको भी शुमार करते हैं अपने लाइफस्टाइल में खाली 15 मिनट के लिए और 3 टाइम्स ए वीक वो भी ऐड करते हैं, तो ये जो अल्जाइमर्स का रिस्क है स्टडीज़ के हिसाब से ये 50% तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, अपने आप को एक्टिव रखिए, खाली फिज़िकल हेल्दी बॉडी के लिए नहीं बल्कि हेल्दी ब्रेन के लिए भी। जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो आपकी बॉडी जो है ज़्यादा ब्लड पंप करती है आपके ब्रेन में, इससे आपके ब्रेन को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वापस आता हुआ ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वॉश कर देता है। तो इससे आपके ब्रेन को एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जब भी आप अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए पुश करते हैं। तो दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एटलीस्ट फास्ट वॉकिंग को तो आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप, मेंटली एंगेजिंग एक्टिविटीज़ या गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। चाहे वो चेस खेलना है, चाहे वो ब्रिज खेलना है कार्ड से, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आप बजाना सीखते हैं, कोई नई एक्टिविटी सीखते हैं, चाहे वो डांस है, चाहे एरोबिक्स है, कुछ भी। जब भी आप कोई नई चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका ब्रेन ग्रो करता है, उसके कनेक्शंस इम्प्रूव करते हैं, ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जो स्टडीज़ में देखा गया है। दोस्तों, टीवी देखना, मूवीज़ देखना एक पैसिव एक्टिविटी है, उसमें आप मेंटली एंगेज नहीं होते, सिर्फ आपके इमोशंस हाई और लो होते हैं। लेकिन जब आप मेंटली सोचते हैं और किताब पढ़ते हैं, कुछ भी अपने आप को एंगेज करते हैं, तो आपके ब्रेन में एक्टिविटी होती है जो आपके ब्रेन को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद करती है। अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटके कुछ नई एक्टिविटी, कुछ नई हॉबी अपनी रूटीन के अंदर लाइए, चाहे वो एक नई लैंग्वेज सीखना है। आपको बिल्कुल उसमें बेहतर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है आप बहुत अच्छे हो सकता है आप बहुत बेकार तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजाएं, आप बहुत बेकार डांस करें, लेकिन जब भी कोई नई एक्टिविटी आप करेंगे तो आपके ब्रेन को एक नई कनेक्शंस बनाने की वजह मिलेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोशल होना। जी हाँ, जब आपके 5 बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल कनेक्शंस होते हैं तो ये आपको लाइफ में लंबे समय तक फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्दी रखते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? जी हाँ, ओकिनावा जापान में। वहाँ पे लोग 100 साल के भी ऊपर जीते हैं, और जब स्टडीज़ हुई तो पता चला वहाँ पे लोग अपने जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स हैं उनको फॉलो करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेटेड टाइज होते हैं लोगों के एक दूसरे के साथ। जी हाँ, आपने देखा होगा इंडिया में भी गाँव में जो क्लोज निट कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, अकेलापन इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, वो उसको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से डिटोरिएट करता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सोशली आपके 5 इतने अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ।
इसके साथ साथ लाइफ में एक मीनिंग होना, पर्पस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी चीज़ के लिए वॉलेंटियर करते हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे कोई कॉज हो, पेड़ लगाना है, एनवायरमेंट है, या भी कोई सोशल कॉज है, अगर आप उसके लिए काम करते हैं तो पाया गया है ये चीज़ें आपको एक बांधती हैं, एक सोसाइटी के साथ, एक ग्रुप के साथ आपको कनेक्टेड रखती हैं, और इससे आपकी फिज़िकल लॉन्गेविटी भी होती है और आप मेंटली भी ज़्यादा लंबे समय तक एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्ट योर हेड, अपने सिर को बचाइए। हमेशा ड्राइव करते समय, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा हेलमेट पहनिए, अगर आप कार चला रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट पहनिए। कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल का यूज़ मत करिए, हैंड्स फ्री रखिए। अगर आपको कार ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक्स्टिंग कभी मत करिए। दोस्तों, टेक्स्टिंग करने से कहते हैं एक्सीडेंट के चांसेस 23 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट टेक्स्ट करना, मतलब SMS भेजना या WhatsApp मैसेज भेजना, और साथ में ड्राइव करना ऐसा ही है जैसे आपने 4 पैग लिए हैं ड्रिंक्स के और उसके बाद आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी मना करिए, 2 मिनट के लिए साइड में गाड़ी लगा लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, अपने सिर को बचाइए। स्टडीज़ में देखा गया है जिन लोगों के सिर में चोट लगती है उनको अल्जाइमर्स होने के चांसेस 2-4% बढ़ जाते हैं, 2-4 times से ज़्यादा वो लोग प्रोन होते हैं अल्जाइमर्स के। अगर आपकी हेड इंजरी हो चुकी है तो चिंता मत करिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, कितने लंबे समय तक आप अनकॉन्शियस रहे या आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट हिट हुआ था जब आपको चोट लगी थी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमेशा अपने हेड को प्रोटेक्ट करके चलिए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलैक्स करना सीखिए। जी हाँ, अपनी डेली लाइफ में टाइम निकालिए, चाहे थोड़ा सा योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, चाहे कोई किताब पढ़नी है, चाहे नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन रिलैक्स करना सीखिए। दोस्तों, स्ट्रेस आपके लाइफ में आपके ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो लोग क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनके ब्रेन के सेल्स जो हैं या ब्रेन का जो साइज़ है वो धीमे धीमे श्रिंक होने लगता है। इनफैक्ट देखा गया है कि स्ट्रेस में रहने से आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है और फिजिकली उसका साइज भी अफेक्ट होता है। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल जॉब में हैं जहां पे 4 boss आपको सारा टाइम 4 अलग अलग चीजें करने के लिए बोलते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। इस जॉब को चेंज करने का सोचिए। जब आप रिलैक्स करते हैं तो टीवी देखना उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि टीवी आपको बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से बॉम्बार्ड करता है। इनफैक्ट अलोन टाइम स्पेंड करिए, रिलैक्सिंग एक्टिविटी करिए, चाहे स्पा में जाइए, अगर आपको सैलून में जाना पसंद है तो वो भी कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, बट अपने आप को डेली बेसिस पे रिलैक्स करने के लिए अलाउ करिए। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों, लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक रखिए। जी हाँ, एक स्टडी हुई है 678 नंस की। नंस जो लोग अपना मैक्सिमम लाइफ टाइम जो है वो भगवान की सेवा में बिताती हैं, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बिताती हैं, जब उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया, उनमें से कुछ ने तो परमिशन दी कि उनके ब्रेन की ऑटोप्सी भी अलाउड है, मतलब उनकी डेथ के बाद उनके ब्रेन को फिजिकली खोल के चेक किया गया, तो पाया गया जो लोग ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल वर्ड्स खुद को बोलते थे उनके ब्रेन में ऐसे फिजिकल चेंजेस थे अल्जाइमर्स की तरह, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं था, उनको कभी महसूस नहीं हुआ अल्जाइमर्स। मतलब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ में। दोस्तों, ब्रेन को नहीं पता कि ये चीज़ सच है, ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताते हैं। तो आप अपने ब्रेन को नेगेटिव मत फीड करिए, हमेशा पॉजिटिव इमोशन से फीड करिए, पॉजिटिव वर्ड से फीड करिए। जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आते हैं उसमें देखिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, कहाँ सीखने का मौका मिल रहा है, और फाइनली जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में उसको लेट गो करिए, छोड़ दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फ्रेश फ्रूट्स, नट्स अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ऐड करिए, ये आपको बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे। फ्रूट्स फ्रेश हो बेस्ट है, फिजिकली दोनों तरीके से हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डिसीशन मेकिंग में हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म कोर्स निकाला हुआ है, बेस्ट डिसीशन मेकिंग कोर्स, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।